दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ होने वाला ऐसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो आपको भी सुन के बहुत अजीब लगेगा और मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हो सकता है आप लोग को भी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े, और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। दोस्तों, हुआ ये था कि किसी एक ऑपरेटर का मग से दूसरे ऑपरेटर का लिंक चल रहा था। तो ये बात नॉर्मली किसी को भी पता नहीं चलता है जल्दी, ये बात पता चलता है जो नॉक में बैठा होता है, जो इसको चेक करते हैं लिंक को, उन लोग को पता होता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ था कि नॉक भी पता नहीं कर पाया कि इसमें ये कांड होके बैठा है। नॉक बार बार इसको लिंक आ भैया, लिंक रिस्टोर है बोल के कन्फर्मेशन देता था, लेकिन इसमें ये कांड होके बैठा है इन लोगों को पता नहीं चला। नॉक ने ये बात क्यों पता नहीं चला है ये तो पता करना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपरली चेक नहीं किया गया, या इसका जो नॉक में बैठा है वो आदमी इसको सही से चेक नहीं कर पाया, या इसको पता नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन असल में ये कांड हुआ क्या था इसको पहले सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिजाइन किया आपको दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे एक टावर था, जैसे यहाँ पे ए लोकेशन मान लेते हैं, ए लोकेशन पे एक टावर है और बी लोकेशन पे और एक टावर है और सी लोकेशन पे एक टावर है। तो आपने सुने होंगे या देख रहे होंगे कि कोई कोई जगह ऐसा होता है जो शेयरिंग में टावर चलाया जाता है, नेटवर्क चलाया जाता है, लिंक चलाया जाता है। जैसे कोई भी ऑपरेटर हो, दो ऑपरेटर या तीन ऑपरेटर मिलके एक शेयर में एक साइट को चलाते हैं। तो वैसे ही सी जो लोकेशन था वो एक शेयर साइट था, इसमें दो ऑपरेटर का जो लिंक है वो चलाया जाता था। तो ऐसा था, ए लोकेशन से सी लोकेशन पे जा रहा है लिंक और बी लोकेशन से भी सी लोकेशन पे लिंक जा रहा है। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिंक जब चलता है, एक पेयर में लिंक चलता है, तो ए लोकेशन से अगर एक पेयर फाइबर निकल रहा है तो उसका अपना जो मार्क्स होगा उसमें जाके कनेक्ट होगा, और अगर बी लोकेशन से निकल रहा है तो ये भी अपना जो मार्क्स है उसमें जाके ये कनेक्ट होगा। जो सी लोकेशन था उस जगह पे ऐसा हुआ था, जैसे ए लोकेशन से निकलने वाला फाइबर, एक फाइबर जाके उसका अपना मार्क्स में लगा है और एक फाइबर जाके दूसरे का मार्क्स में लग गया है, और बी लोकेशन का जो दो फाइबर था, एक पेयर फाइबर था, इसमें एक फाइबर जाके अपना मार्क्स में लगा और एक फाइबर जाके दूसरे का मार्क्स में लगा। मतलब अगर इसको देखा जाए तो इसका जो अप डाउन सिग्नल है वो दोनों सही था। अगर इसका अपना में अप है तो दूसरा में डाउन हो रहा है, और यह इस साइड में जैसे इसका एक अपना अप है तो एक डाउन है, मतलब लिंक चलने वाला जो सिस्टम है, एक अप और एक डाउन, ये बिल्कुल सही था। जैसे अगर यहाँ से डाउन हो रहा है तो यहाँ से अप हो रहा है, और अगर यहाँ से अप हो रहा है तो यहाँ से इधर डाउन हो रहा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं ये जो कांड है इसको कैसे पकड़ में आया और इसको कैसे सोल्यूशन किया गया, और आप भी इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कांड हुआ था ये तब पकड़ में आया जब ये कॉमन साइट जो है, जो शेयरिंग साइट है, ये जब आइसोलेशन आया इसमें, तब जाके इसका बारे में पता चला है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। दोस्तों, कोई भी ऑपरेटर जो अपना रिंग में जब नेटवर्क चलाता है तो इसमें ऐसा सिस्टम होता है, एक साइड डाउन होने से दूसरा साइड से इसका लिंक चलता है। तो एक बार ऐसा हुआ था, जैसे ये हो गया जो शेयरिंग कॉमन साइट है, और ये जगह पे जो है केबल कट गया था। तो ये जगह पे केबल कटने से ये साइड से इसका यहां तक का लिंक चलना चाहिए था, लेकिन यहां तक ही सही से लिंक नहीं चल रहा है, और यहां तक कहां से पहुंचेगा, इसमें जो है कांड होके बैठा था पहले से ही। उस टाइम पे जब इस मार्क्स को चेक किया गया तो यहाँ पे इसका जो सिग्नल है वो सिग्नल नहीं पहुंच रहा था, और इधर से तो केबल कटा हुआ है ऑलरेडी, इधर से कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा। बाद में जब इसको अच्छे से चेक किया गया तब पता चला कि इसमें सही से सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ से आगे कैसे पहुंचेगा। और इसका जैसे कि किसी भी मार्क्स का इसका अपना पावर होता है, इसका अपना आईपी होता है, अपना सिग्नल होता है, तो अगर दूसरा किसी ऑपरेटर का सिग्नल पावर को अगर इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये नेटवर्क जो है इसका अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो इसको जब चेक किया गया तब तो पता चला इसका कांड कुछ गड़बड़ है इसमें, इसमें किसी दूसरा एक ऑपरेटर का फाइबर आके कनेक्ट हो गया और ये जो है दिक्कत आ रहा है। तो दोस्तों, इसको सोल्यूशन कैसे किया गया है इसका बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा किया गया था, यहाँ पे एक बंदे को बैठाया गया और इस जगह पे भी एक बंदे को बैठाया गया और इस जगह पे भी एक बंदे को बैठाया गया, तो तीन जगह पे तीन आदमी बैठ के इसको LSPM किया गया। उसका बाद जाके पता चला कि किसका फाइबर किस में घुसा है और फिर इसको ठीक किया गया है। दोस्तों, ऐसा सिचुएशन में LSPM करना बहुत जरूरी बनता है, और LSPM कैसे किया जाता है आपको अगर पता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर कभी इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, LSPM करने के लिए एक लेजर सोर्स और एक पावर मीटर का जरूरत पड़ता है। अगर OTDR में लेजर सोर्स होता है तो सिर्फ एक पावर मीटर होने से भी काम चल जाता है। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी था, मुझे लगा आपके साथ ये बात शेयर करना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बनाया।
आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।